हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग 1.9 क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी। एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं आपके पास। पॉइंट ए पे एक चार्ज है, दैट इज क्यू ए, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 7 कूलम। और दूसरा चार्ज है पॉइंट बी पर, उसे लिखा है क्यू बी, माइनस 2.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 कूलम। लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर, 0, 0, 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले तो टोटल चार्ज की बात करेंगे हम लोग। कैपिटल क्यू लिख लेते हैं। तो टोटल चार्ज का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू है चार्जेस इन्वॉल्व है उनको प्लस कर देंगे। तो क्यू ए की वैल्यू 2.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 है और क्यू बी की वैल्यू माइनस का 2.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 है। प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, तो ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 कूलम हो जाएगा। तो यानी कि नेट चार्ज की वैल्यू 0 है, तो 0 कूलम इज द आंसर। तो टोटल चार्ज हमारा नेट हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है पी, और इसका फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज, मतलब जो आप दो चार्जेस की बात कर रहे हो उनमें से कोई भी एक चार्ज उठा लोगे। आप देखोगे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसमें जो दो चार्ज इन्वॉल्व होते हैं दोनों की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, 2.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 7, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब दो ऐसे चार्जेस थोड़ा सा डिस्टेंस उनके बीच में होता है तो उस अरेंजमेंट को वी कॉल डाइपोल, और जो क्वांटिटीज के साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो आइदर चार्ज की मल्टीप्लाई हम लोग जब डिस्टेंस में कर देंगे, मतलब जो इन दोनों के बीच में दूरी होगी, तो अब उसे अपन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब आइदर चार्ज मतलब कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, कि 2.5 इनटू 10 दी पावर माइनस 7 कूलम। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उनमें से दो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव मतलब जीरो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जीरो है दोनों ही पॉइंट्स में, तो सिंपली जो कॉम्पोनेंट बच गया है आप उसको आपस में माइनस कर दोगे, जैसे 15 माइनस और दूसरी वैल्यू है माइनस का 15, तो 15 माइनस 15 दैट इज 30, तो डिस्टेंस आ गया 30। लेकिन क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एसआई में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर। तो आपके पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा, 2.5 को 3 से करेंगे 7.5, और ये जो 10 दी पावर 1 है उधर जाके माइनस, तो माइनस 8 कूलम मीटर। तो इस तरीके से ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकल के आ गई और यूनिट आ गई। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ पर आपके पास अपन ये कह सकते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन है वो आपकी अलोंग बी ए होगी, या फिर अपन बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सो वी कैन से अलोंग बी ए, या फिर ये जैसे आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस है ये आपका नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो वी कैन से अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1.9 आप लोगों का डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4×10⁻¹ कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट की आपको वैल्यू दे दी है 4×10⁻¹ कूलम मीटर। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया है 30 डिग्री, विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो एक नया फॉर्मूला है आप लोगों के लिए टॉर्क के लिए, जिसे मैं इसे बॉक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा हमारे पास होता है, तो P मतलब डायपोल मोमेंट जो है 4×10⁻¹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो साइन 30, 4×5 हो गया 20, 10⁻⁹ + 4 - 5 और साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये कैंसिल होकर 10 हो गया, तो 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये जेड नहीं है, ये टाउ होता है बेसिकली, टी जिसे थोड़ा समझ, टी सिंबॉलिकली टी से मिलता है। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। तो 1.9 और 1.10 क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज आपको पास में दो नए फॉर्मूले आए, पहला डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आया और फिर आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।